नमस्कार, आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज सोलापुर शहर के भाग क्रमांक 14 के नगर सेविका वाहिदा वंडाले आज हमारे साथ हैं। आज सोलापुर शहर के अंदर एक चर्चा का विषय बन चुका है कि AIMIM पार्टी, इसके चंद नगर सेवक हो वो कई और पार्टी से इनका नाता, ऐसा बहुत सारी खबरें अफवाहें के तौर पर हो रही है या कुछ सूत्रों के मुताबिक चल रहे हैं। आज हमारे साथ नगर सेविका वाहिदा वंडाले, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि AIMIM के जो नगर सेवक हैं, जो 9 नगर सेवक जो चुनकर आए और एक कॉक्ट में जो चुना गया है, उन नगर सेवकों के बारे में हम जानेंगे। क्या जो सोलापुर शहर के अंदर जो चर्चा चल रही है कि MIM पार्टी के जो भी नगर सेवक हैं वो पार्टी छोड़कर जाने का इरादा रखते हैं या पार्टी के साथ ही बने रहने का इरादा करते हैं? कुछ नगर सेवक पार्टी छोड़कर जाने का इरादा रखे हैं, बस इतना, इसी बात तो, इसी चर्चा तो थी और उन्होंने हमारे साथ बात भी की थी, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। मैडम, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अगर पार्टी को छोड़ेंगे तो जितना भरोसा लोगों ने यहाँ पर सोलापुर की जनता ने AIMIM से जताया था, क्या उन सारे जनता, जितने वोटर्स जो आपको वोट डाले हुए हैं, उनका भरोसा नहीं टूटेगा क्या ऐसा करने पर? जो AIMIM यानी खासदार असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो भरोसा रखते हैं, शायद उनका भरोसा कायम रहेगा, उसको थोड़ा भी उस बात में फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पार्टी के जो पहले के जो शहर अध्यक्ष थे, जो आपके जो शहर अध्यक्ष है, इन दोनों में बहुत सारी अनबन है, क्या ये पार्टी के अंदर की अनबन है या औपचारिक रूप से अपनी व्यक्तिगत उनके अंदर अनबन मौजूद है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता अनबन है बोल के, ऐसा तो हमारे देखने में तो नहीं आया, क्यों तो मौका भी नहीं मिला। वो तो बाहर थे तौफीक साहब और शाब्दी साहब तो यहाँ पर थे सोलापुर में इलेक्शन के वक्त, वो ऐसा उनका दोनों का आमना सामना हुआ ऐसा हमने तो कभी नहीं देखा। नगर सेविका वाहिदा वंडाले जो है एक अपने वरिष्ठ ऐसे नेता हैं जो अपने काम से जाने जाते हैं। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस पार्टी से जुड़े रहेंगे, आप पार्टी के साथ ही साथ देंगे या किसी और पार्टी में जाने का आपका इरादा है? देखिए, 2014 में जब तौफीक भाई शेख AIMIM से MLA के इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे तो आप यकीन मानिए हमें इतनी खुशी हुई थी, ऐसा लगता था कि इस पार्टी पर हम जान फिदा करें। अब शायद तौफीक भाई को पता भी नहीं होगा लेकिन हम उनके इलेक्शन में इतना काम किए, ये उस वक्त इतनी हवा फैली थी कि हैदराबाद के जो दो भाई हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये दोनों भाई कौम के लिए जान फिदा करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और उनके बहुत ही अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उन कौम की खिदमत करना उनका, कौम की खिदमत वो बहुत ही अच्छे अंदाज में करते हैं, वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होने देते, उनके बाप दादा से ये पार्टी चलती आई है और उसे वो आगे बढ़ा रहे हैं बड़े ही नेक इरादे के साथ, तो हम भी उनके ऊपर जान फिदा की इस पार्टी के ऊपर। मजलिस एक ऐसी पार्टी है तो हर किसी का मन करता है कि उस पर हम जान फिदा करें, तो उस वक्त ऐसी पोजिशन थी, गली गली में एक एक बच्चा ना बच्चा पूरा MIM का दीवाना हो गया था, तो हम भी तौफीक भाई शेख का बहुत ही काम किया और तौफीक भाई शेख के तरफ से हम MIM इस पार्टी में आए और नतीजा ये हुआ कि जो 2017 में इलेक्शन खड़े हुए तो उस इलेक्शन में हमने AIMIM से MIM से चुनकर आए। अब ये पार्टी से इतना लगाव हुआ, इतना प्यार हुआ कि इससे जुदा होने का मन नहीं करता। ये तो साफ हो गया है कि वाहिदा वंडाले नगर सेविका ये पार्टी को छोड़ने का इरादा नहीं रखती, लेकिन और भी हमारे नगर सेवक जो AIMIM से जुड़े हैं सोलापुर में, उन नगर सेवकों के बारे में हम उनसे मुलाकात कर जानेंगे। मैडम, एक आखिरी सवाल, आपने जो है महिला विकास मंच के माध्यम से आज तक अपने वार्ड में कितना काम करें? भारतीय महिला विकास मंच ये जो मेरी संस्था है 1998 की संस्था है, उस वक्त मैं कारपोरेटर थी तो एक 11 लोगों की बॉडी लेकर मैंने अपनी ये संस्था बनाए थे हमने, और हमारे ताबे में एक महानगर पालिका का हॉल भी मिला। उस वक्त के जो कमिश्नर थे हमारा महिला बचत गट का काम देकर, दारिद्र्य में उस वक्त एक बचत गट को 1.25 लाख सब्सिडी थी तो लोग उसका फ़ायदा किस तरह से उठाना, हालांकि दारिद्र्य में नाम थे लोगों के लेकिन उसका फ़ायदा किस तरह पता नहीं था, तो हमने इतने बचत गट तैयार किए, ब्रह्मदेव माने
इस बैंक से हमने कम से कम 10 बचत गट किए, महिला बचत गट, तो 1.25 लाख को 1.25 लाख सब्सिडी मिली। और शरद बैंक में हमने 14 बचत गट किए और कैनरा बैंक में कम से कम 30-40 बचत गट किए, विजया बैंक में किए। औरतों का इतना फ़ायदा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ। और ये बचत गट भी किए जो निराधार के लेडीज़ हैं उनको पेंशन बिठाने का काम किए, ये हमारे औरतों को हमने जागरूक करने का काम किया। जो 11 हमारी जो महिलाएं हैं सब यही काम करती फिरती थी कि गरीब लोगों की मदद करना, उनको किस तरह से बैंक से लोन लेना चाहिए, पर्सनल लोन उन्हों किस तरह से फेड़ना चाहिए, उनका क्रेडिट किस तरह बैंक में जमाना चाहिए। आज जीरो बजट के भी खाते हमने कम से कम 20,000 खाते खोले थे, कैनरा बैंक, विजया बैंक, यूको बैंक, महाराष्ट्र बैंक, हर बैंक में हमने एरिया वाइज खाते खोले थे। आज उनको 500-500 रुपये मोदी की तरफ से 3,000-3,000 रुपये मिले, 500-500 रुपये का जो हफ्ता डाले उन्होंने। तो वो सारे औरतें पहले पूछते थे कि अभी तक हमारा फ़ायदा नहीं हुआ जीरो बजट का, तो आज आकर बताए कि मैडम जब हमने वो खाता खोला था आज हमको 3,000-3,000 रुपये उसमें जमा हुई। तो ये फ़ायदे हमने औरतों के लिए किए। और मैं औरतों के जो मसाइल हैं, तलाक का मसला हो या फिर बेवा औरता का मसला हो, ससुराल के लोग तकलीफ देते हों, तो सारे मसाइल को हमने कोशिश किया कि उसको हल करने की कोशिश किया। इसके बावजूद मेरी एक स्कूल है, स्कूल के बाजू जो हमारा राहुल गांधी झोपड़पट्टी है, वो झोपड़पट्टी, चमनशाल टेकड़ी, मुल्लावर टेकड़ी, हर एरिया में हमने काम करने की बहुत कोशिश की। औरतों को इस संस्था के ज़रिए बहुत फ़ायदा हुआ है। और आज जो हमने आरोग्य शिविर इस संस्था में ली, संस्था के ज़रिए लिया है, तो ये सारे जो इसके फ़ायदे हैं हमने पूरा महानगरपालिका से इसका पूरा फ़ायदा उठाया। आरोग्य शिविर जो रखा है वहाँ से हमें गोलियाँ, दवाएँ, मल्टीविटामिन्स की गोलियाँ मिली, मास्क मिले, सभी हमने वहाँ से फ़ायदा उठाया और लोगों में तकसीम किया। तो हमारी ये संस्था आज तक काम औरतों के लिए काम करती है, आगे भी काम करेंगी इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ वाहिदा भंडाले मैडम, जो AIMIM के इसी नगर सेवक हैं, जो महिलाओं के लिए, खास खास महिलाओं के लिए जो है काम करती नज़र आ रही थी। लेकिन इनके बातों से हमें पता चलता है कि सोलापुर शहर के अंदर जो भूचाल आया गया था कि AIMIM के नगर सेवक किसी और पार्टी में जाने वाले, इन्होंने अपनी बात से साफ कर दिया कि ये किसी और पार्टी से नहीं जाएंगे, किसी और पार्टी का इनसे वास्ता नहीं है। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।